भाई वीडियो ले रहे हो क्या? तो वन टू थ्री काउंट नहीं लूंगा, बट आप लोग गिन गिन वन टू थ्री जब से आप ऐसे मैजिक किए पेंडुलम का 99 पे है, शॉट मारने के पहले एडजस्ट मार। ओके गाइस, ठीक है, 3 2 1। ओह माय गॉड, या थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। So firstly a very huge congratulations for your film. Trailer is amazing. किस तरह के आपके responses आ रहे हैं इस movie को लेकर, family से, friends? Responses so far बहुत ही positive है, तो touch wood, fingers crossed कि Friday को जब ये film release होगी, response audience से भी same होगा। Okay, क्या कुछ अभी तक compliments मिले इस film को लेकर? ऐसी जो मैंने जो देखे, जो लोग ने मुझे कहा है कि इम्प्रूवमेंट उन्होंने देखी है पहले पिक्चर से, तो जितना काम किया दैट फील्स गुड, कि कोई नहीं जो भी कहता है कि इम्प्रूवमेंट, आई कैन सी यू इम्प्रूवमेंट, दैट ऑलवेज फील्स गुड। सो दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट कि माय हार्ड वर्क पीपल हैव काइंड ऑफ सीन, सो आई एम एवर ग्रेटफुल फॉर दैट। सो वेलो, मूवी की अगर बात की जाए तो किस तरह से आपने उसकी तैयारी की, क्या कुछ प्लानिंग थी पहले से, ये जानना? जब भी वो स्क्रिप्ट लॉक हो गई थी और मैं प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया, तो डेवन के साथ मेरा बहुत वर्कशॉप्स हुई डायरेक्टर सर के साथ, तो उन्होंने बहुत मेरे साथ वर्कशॉप किया, सीन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने बहुत प्री प्रेप किया जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। जब हम सेट पे शूट करने गए थे तो फिर हम सीन के साथ और खेल सकते थे, तो आई वुड गिव अ शाउट आउट एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर बिलीविंग इन मी एंड वर्किंग विद मी सो क्लोजली। सो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था जब first, ये आपको ऑफर किया गया फिल्म? फर्स्ट रिएक्शन ये था कि अलग सी कहानी है, कैरेक्टर भी अलग है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, शूटिंग के दौरान किस तरह के माहौल रहते थे, क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे? शूटिंग के दौरान तो हम जो चारों है, R4, मैं, सावन सिंह प्रेमी, विशेष तिवारी और आनिया सिंह, हम दोस्त ही बन गए थे सच्ची में। वेर एवर वी यूज्ड टू गो हम साथ में ही जाते थे, तो एक अच्छी सी बॉन्ड बन गई थी और बहुत मजा आया यार, क्योंकि कुछ ना कुछ होता था हर दिन। जैसे एक दिन मैं अपना, हम सब मेरे ही वैन में बैठ के चिल करते थे शूट में, जब ही ब्रेक होती थी तो सावन कुर्सी पे बैठा था, नाच रहा था, कुर्सी गिर गई थी, मैं फिर भी वीडियो रोल कर रहा था, तो बोला उठा लेना मुझे, वीडियो बंद कर। तो ऐसे ऐसे बहुत चीजें थे। एक बार हम सेट पे लूडो खेल रहे थे, डायरेक्टर आए और बोले तुम लोग सच्ची में वेले हो, तुम लोग ज्यादा मेथड एक्टिंग करने लग रहे हो, ऐसे मत करो। हम हंसने लगे, तो बहुत बहुत है, क्योंकि वी ऑलमोस्ट जो सेट थी पूरी यंग थी, डायरेक्टर भी यंग है, तो एक अलग सा माहौल था, क्योंकि इट फेल्ट लाइक एवरी डे कुछ ना कुछ होता रहता था, और शूट बहुत फन हो गई थी। और एक सैड चीज थी कि हम बहुत दुखी थे जब ये शूट खत्म हो गया था। करण, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से ये फिल्म का नाम है और कॉमेडी करना, इसमें कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? कॉमेडी करना बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग? नहीं, ऑब्वियसली बहुत ही चैलेंजिंग था, बट जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते तो एज एन एक्टर आप ग्रो नहीं करते। तो थैंकफुली जितना मैंने प्री वर्क किया था डेवन सर के साथ, वो बहुत ही मुझे हेल्प किया था उस दौरान में। जिस तरह से इसमें कॉलेज का रोल दिख रहा है आपका, जिस तरह से पूरा सीन दिख रहा है ट्रेलर में, उसको देखकर लग रहा है बहुत ही ज्यादा ये फनी होने वाला है। सो अगर स्कूल डेज या फिर कॉलेज डेज को याद किया जाए, कितना किस तरह के आपका माहौल रहता था, किस तरह का आपका ये रहता स्कूल था? में भी मैंने अपनी फन की है, ऐसे तो आप भी की होगी, तो मैंने ऑब्वियसली क्या करते थे स्कूल पे, मैं तो क्लास बंक किया मैंने। एक टीचर थे, हम बहुत हंसते थे उसके क्लास में, फिजिक्स क्लास में, तो हमको बाहर निकाल देता था वो। और फिर राहुल जैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। राहुल 12वीं क्लास में 4 बार फेल हुआ है, आई हैव नॉट फेल्ड दैट मच, तो मेरे जैसा है बट बिल्कुल मेरा जैसा नहीं है। और क्योंकि स्कूलिंग में हम लोग ने उस उम्र में आप ज्यादा सोचते नहीं है, मस्त रहते हो और रेप्रिकॉशन सोचती हैं। जब भी आप स्कूल से पास आउट हो जाते हैं फिर आपको ज्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो उस उम्र में बस मैं खुश था और ये चीजें मैंने किया। ये शूटिंग के दौरान में मतलब किस तरह के और अनुभव आपको फील करने को मिला, जिस तरह का आपका कैरेक्टर है? शूटिंग के दौरान में बहुत चीजें हुए कुछ ना कुछ ऐसे कि एक बार क्या हुआ था कि मुझे दौड़ के जाना था, एक पॉइंट पे स्टॉप करना था, मैं बहुत तेज दौड़ा
मैं ऑलमोस्ट फिसल के आनिया उधर थी, मैं ऐसे था, गिर गया था उसके सामने। तो एक वो हुआ था और बहुत सी चीज़ें हुई थी, क्योंकि जब मैं सीन करता था कभी कभी लगता था कि मैं ये बेहतर कर सकता था, तो मैं डायरेक्टर के पास जाता था, इट्स ओके फॉर यू, मैं लगता हूँ कि मैं इससे और अच्छा, गिव मी वन मोर। वो मुझे देखता था कि तू बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन रहा है यार, मैंने ओके बोल दिया, ओके फाइन तुझे करना है, और फिर मैं कुछ और कर लेता था। आई सेड इफ यू लाइक इट यू कीप इट, बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन आ गई कि मैंने अभी ठीक से किया है। तो ऐसे ऐसे अलग चीजें थे। इसमें थ्रिलर और सस्पेंस दोनों दिख रहा है, उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? इस पिक्चर में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता। जब आप 10 दिसंबर को देखोगे तो आपको पता आ जाएगा। ओके, सो सबसे अगर डिफिकल्ट पार्ट की बात की जाए तो क्या आप बताना चाहेंगे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहा? डिफिकल्ट पार्ट ये था कि उस कैरेक्टर को बिल्कुल इम्बाइट करना, उसके मैनरिज्म्स मेरे से अलग थे, तो वो मैनरिज्म्स अपना बनाने के लिए वो डिफिकल्ट था। बट जितना एज मच एज आई डिड, द मोर आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू दैट रोल, सो आई वुड गिव द डायरेक्टर ऑल क्रेडिट फॉर मेकिंग मी ईज इनटू द कैरेक्टर। सावन सिंह प्रेमी, विशेष तिवारी, आनिया सिंह बहुत ही अच्छे लोग हैं यार। सावन सिंह की मैं बहुत तंग करता था क्योंकि प्रैंक्स उसके ऊपर ज्यादा करता था, तो बोलता तू यार यार यार, वो ऐसे रिलेशनशिप। विशेष की उसके साथ अलग रैप होती, आनिया के साथ अलग रैप, हम बहुत चीजें करते थे यार। क्योंकि शूट के बाद, क्योंकि हम नोएडा में ही शूट करते थे तो एक ही साथ रहते थे, तो हम चिल करते थे शूट के बाद, पिक्चर देते थे, खाना खाते थे, एक दोनों का मजाक करते थे। वो आई यूज टू इंसल्ट हिम, ही यूज टू इंसल्ट मी, आई यूज टू इंसल्ट हर, शी, वो ऐसे चलता रहता था। बहुत ही फ्रेंडली, हाँ बहुत ही फ्रेंडली माहौल हो गया था। सो जानना चाहूंगी इन फ्यूचर और किस जॉनर को आप ट्राई करना चाहेंगे? आई एम ओपन टू ऑल रोल्स, जब तक स्क्रिप्ट आपको इंटरेस्ट करे, जब तक आपको कैरेक्टर इंटरेस्ट करे, आई एम फाइन विद इट। कोई स्पेसिफिक जॉनर मेरे दिमाग में नहीं है। ओके, कैरेक्टर अगर बात की जाए तो कैरेक्टर, किस कैरेक्टर को आप निभाना चाहेंगे जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, या फिर ये बताना? अर्जुन, अर्जुन जो पापा ने पोट्री किया था अर्जुन में, वो कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ। और जानना चाहूंगी जिस तरह से आपकी ये फैमिली बैकग्राउंड है, सो इस टाइम अगर आप शूट कर रहे थे तो उस टाइम आपका मतलब शूट करते हुए आपसे मतलब किस तरह का बिहेवियर रखते थे, ये सब जानना चाहूंगी। फैमिली मतलब जो चाचा थे सेट पे की? नो, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सो शूटिंग के दौरान क्या उस टाइप का? नहीं नहीं, मैं तो आई बिलीव दैट वी ऑल, जैसे आप हो, वी ऑल इक्वल यार, वी ऑल इक्वल। इसलिए होता कि उनके साथ तो बिल्कुल डे वन से ही मेरी जमने लगी, हम साथ में ही चिल करते थे, ऐसे कुछ नहीं था यार। मतलब आई एम एज आई एम एट होम, आई एम विद एवरीवन द सेम वे ओनली। अगर वेले ये आपकी जो मूवी आ रही है उसकी बात की जाए तो आप क्या कुछ यूएसपी पॉइंट बताना चाहेंगे जो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी आपकी मूवी में? जो हुआ है पिछले 2 सालों, जो अलग सा है, आई थिंक इवेंचुअली पीपल वॉन्ट टू सी अ फिल्म दैट विल लीव अ स्माइल ऑन योर फेस, कि ज्यादा उसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं है। एक फिल्म है जो आप, यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ योर स्कूल डेज, एंड आई एम श्योर एक आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगा एंड तक, एंड देयर आर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स व्हिच यू विल सी। ओके, सो अगर कॉलेज डेज की बात की जाए, सबसे वेले वाला काम क्या कुछ किया है आपने? सोफा पे बैठ के पजामा में ही टीवी देखते हुए सुबह से शाम तक। और घर से किस बात को लेकर डांट मिलती थी वेले की अगर बात की जाए? वो वीडियो गेम कितना खेलेगा यार, तो पढ़ाई करेगा कि वीडियो गेम खेलेगा, इसमें कुछ फ्यूचर है नहीं। तो कुछ कर यार, उसमें ज्यादा मुझे लेक्चर मिलते थे। फ्रेंड के साथ कोई ऐसा प्रैंक किया हो आपने जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल? मैंने किया है। क्या आप शेयर करना चाहेंगे? एक दोस्त है मेरा, तो वो सो रहा था, हम मेरे फार्म हाउस में थे, तो वो जल्दी सो गया था। मैं टूथपेस्ट लेके उसके मुंह वो सब चेहरे पे कुछ डाल दिया था और बाल में भी डालते, उठ के जब वो इतना गुस्सा था ना, मैं तो हंसने लगा क्योंकि उसके फेस पे वो टूथपेस्ट था, एंड यू स्क्रीमिंग इन दैट अग्रेशन, बट ऑन हिज फेस ऑल दैट वाज देयर। तो मैंने ये मैंने किया अपने दोस्त के साथ। सो जो आपकी मूवी आ रही है वेले, उसमें जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, उसको कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया यार, थॉरली एंजॉय किया मैंने। बहुत एंजॉय किया। क्या कुछ और सीखने को मिला अपने कैरेक्टर से? कैरेक्टर से यही सीखने लगा कि
लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, तो जितना एंजॉय कर सकते हो करो, क्योंकि आपको पता नहीं कब क्या हो सकता है। ओके, इन फ्यूचर किस डायरेक्टर के साथ आप और काम करना चाहेंगे? राजकुमार हिरानी सर, वो तो बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है, वो मेरे अंदर टैलेंट देखेंगे इवेंचुअली एंड आई गेट अ चांस टू वर्क विद हिम। आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? सब कुछ, लिटरली सब कुछ। अब मेरे लाइब्रेरी देखोगे कोई भी ऐसा जॉनर जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है? सबसे ज्यादा पसंद आता है एनिमेशन में बहुत देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो एनिमेशन पे आप कोई मूवी करना चाहेंगे? एनिमेशन में वॉइस ओवर करना चाहूंगा, जैसे डिज्नी के एनिमेटेड मूवी, आई होप मुझ मैं भी एक कैरेक्टर के वॉइस ओवर कर पाऊंगा। ओके ओके ओके, सो एनिमेशन की बात की जाए तो और कौन सी आपको एनिमेशन फिल्म या फिर ये वेब सीरीज ज्यादा पसंद आती है? एक है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, वो एक जापानीज एनिमे है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। Then there is, which was the other one? Then there's something called Fairy Tale. They cup बहुत ही है, मैं बोलता जा सकता हूँ। My favorite is Full Metal Alchemist Brotherhood basically. Okay. So 10th December की आपकी film release हो रही है, जानना चाहूँगी कि कितनी excitement है या फिर 10th December को आपने क्यों release date रखा है? मैंने तो नहीं रखा, producer ने। I'm very excited, यार nervous भी हूँ। But what can you do? As long as an actor, you've given your 200%, everything else is out of your hand. So audience se kya expectation hoge is film ko lekar? I hope that they appreciate my performance and I hope they have a lot of fun seeing this film. And lastly, what do you want to say to your audience? Ki vele 10 December ko aayegi. Make sure that you take your whole family. Don't go alone, your whole family, because all of y'all will be able to enjoy it together. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, done. Thank you. You do the next one now. Ah, no problem. Okay.